तो हमने कई किस्सों में देखा है कि अगर घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो हमने देखा है कैंसर होने की बहुत ज्यादा संभावना है ये जो पंच तत्व है वो हर एक घर के ऑफिस के या भवन के पांच जो अलग अलग जोन है उसके है। अंदर ये पांच एलिमेंट है अगर पंच तत्व का संतुलन है तो एनर्जी सही तरह से काम करे तो अगर साउथ वेस्ट कटा हुआ है, है तो भी आपको पैर रिलेटेड या ज्वाइंट रिलेटेड प्रॉब्लम अच्छा। एक दस उन्नीस और अट्ठाईस को जिनका जन्म होता है वो सारे एक नंबर तो वास्तु वो आपको ओवरऑल ग्रोथ देता है मुझे लगता है मुझे अब थोड़ा ज्यादा डिटेल में सीखना पड़ेगा आपसे योर विश इज़ माई कमांड आपने चाहा था कि मेरे पापा के साथ मैं दूसरा एक पॉडकास्ट करूं जहां पर मैं वास्तु के ऊपर बात करूं। आपने लास्ट पॉडकास्ट जो मैंने मनोज में हुआ, यानी मेरे फादर के साथ जब किया था स्वर विज्ञान के ऊपर आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया था और कमेंट में लिखा था कि आप वापस से उनको चाहेंगे देखना और अलग टॉपिक के ऊपर तो देखिए आपने बताया और हमने अमल कर लिया तो हमने वास्तु और हेल्थ कैसे कनेक्टेड है उसके ऊपर काफ़ी लंबा डिस्कशन किया है और पापा ने बहुत सारी चीज़ें आसान भाषा में समझाई हुई है और मुझे पक्का भरोसा है कि अगर आपने इस पॉडकास्ट को एंड तक देख लिया एक तो आधे वास्तुशास्त्री आप बन जाओगे प्लस आप अपनी हेल्थ को छोटे छोटे स्ट्रेस है एंजाइटी है डिप्रेशन है प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यू है कंसीव नहीं कर पा रहे हैं एसिडिटी और गैस या कोई भी किस्म के डाइजेस्टिव इश्यूज़ है तो आपको पता चलेगा वो क्यों है इवन कैंसर तक और आपको बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ भी मिलेगी जहाँ पर आपको कोई यू you नो know, ऐसा नहीं है समझ ही पाना है कि कहाँ पर कौन सी जगह होनी चाहिए बट बस ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन आप पा लोगे आई एम sure श्योर कि आप अपना अपने परिवार की हेल्थ का ख्याल बहुत आसानी से रख पाओगे वी हैव समबडी कि जो ऑफकोर्स मेरे पापा के रूप से आप जानते हैं बट जो मेरे रोल मॉडल है मेरे सबसे पहले इंस्पिरेशन है जो मुझे हेल्थ के लिए गाइड किए थे कि हेल्थ के फील्ड में मुझे आना चाहिए ऐसे इंसान की जो खुद एक वास्तु एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट स्वर विज्ञान एक्सपर्ट खुद एक मोटिवेशन स्पीकर है लाइफ कोच है और ऐसे इंसान हैं कि जिन्होंने सिर्फ अगर वास्तु की बात करें तो पंद्रह साल से वो प्रोफेशनली वास्तु एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहे हैं बाईस साल का अभ्यास है उनका वास्तु का जब वो इवन गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में सेवा देते थे तभी भी वो उसमें बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे उन्होंने अब हज़ारों पेशेंट्स को क्लाइंट्स को हेल्प किया है सिर्फ हेल्थ चैलेंजेस को वास्तु से ठीक करने के लिए और आज वो मुझे पक्का भरोसा है कि आपको बहुत सारे अगर कोई भी किस्म के चैलेंजेस है उसमें सपोर्ट करने वाले हैं सो एन्जॉय द होल पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि दिस पॉडकास्ट इज माई ओन इंस्पिरेशन मेक श्योर कीजिएगा अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को जरूर शेयर कीजिएगा स्पॉटिफाई एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर भी आप इसे सुन सकते हैं और ऐसे ही पॉडकास्ट सुनने के लिए अगर आपने फिट भारत मिशन को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है बेल बटन को क्लिक नहीं किया है मेक श्योर sure अभी कर दीजिएगा वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई थैंक यू सो मच पापा आप फिर से आए हैं पॉडकास्ट पे और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट में लोगों ने इतना ज़्यादा उसे एंजॉय किया था इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया था कि हमें आपको वापस से बुलाना पड़ा तो आपको कैसा लग रहा है बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि बार बार आना और खुशी इसलिए हो रही है कि लोगों को जो हम देना चाहते थे वो मिल रहा है और उसका लोग आनंद उठा रहे हैं उस उसका उपयोग हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल तो आज का लास्ट टाइम हमने बहुत स्वर विज्ञान के ऊपर बात किया था नाड़ियों के ऊपर बात किया था ये पॉडकास्ट में बात करना चाहते हैं वास्तु के ऊपर क्योंकि मैं जब से मुझे याद है मेमोरी है आप वास्तु के बारे में इतना घर में बताते रहते थे इवन वास्तु ना सिर्फ आपके फाइनेंस करियर आपके आपकी प्रोडक्टिविटी आपकी हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के साथ कनेक्टेड है इंक्लूडिंग हेल्थ तो पहले तो ये आप बताइए कि कैसे वास्तु के साथ हेल्थ जुड़ा हुआ है बहुत अच्छा सवाल है देखिए वास्तु के साथ तो हेल्थ किस तरह से जुड़ा हुआ मैं बताता हूँ आपको जैसे हम जानते हैं पूरा जो ब्रह्मांड है वो पंच तत्वों से बना हुआ है है ना अर्थ वाटर फायर एयर इस तरह से हमारा बॉडी जो है वो भी पंच तत्वों से बना है ऐसे ही जब भी कोई भवन कोई भी एक हाउस या ऑफिस या कोई भी बिल्डिंग बनता है तो उसके अंदर भी ये पंच तत्व होते हैं है। अगर इसको बॉडी के साथ रिलेट करके देखें तो हमारे बॉडी के अंदर जो हीट है 98.4 या जो भी हम बोलते हैं वो भी फायर एलिमेंट है तभी टेम्परेचर मेंटेन होता है तो जिसके बॉडी में फायर एलिमेंट बढ़ जाता है उसको एसिडिटी होती है जिसकी बॉडी में फायर एलिमेंट कम है उसका डाइजेशन कमजोर होता है तो फाइव एलिमेंट्स के ऊपर वास्तु डिपेंडेंट है हमारी बॉडी भी उसी पर डिपेंडेंट है तो जिस घर का पंच तत्व सही है उस घर का सब कुछ सही है इसलिए वास्तु और स्वास्थ्य का सीधा संबंध है वाह बहुत आसान भाषा में बताया कि पंच महाभूत से बना है हमारा शरीर और ये ब्रह्मांड और वैसे ही वास्तु पूरा जो कंसेप्ट है वो पांच पंच महाभूत के ऊपर ही है तो अब आप थोड़ा सा अगर वास्तु को समझा सके कि कैसे वो पांच एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है वास्तु पुरुष वगैरह हम देखते हैं बट वो एग्जैक्टली कैसे देखिए हमारा जो बॉडी है उसका हम देखें तो सेवेंटी या उससे ज्यादा पानी है हुँ. तो वो क्या है हमारे बॉडी में वाटर एलिमेंट है ऐसा ही ब्रह्मांड में पानी ज्यादा है राइट। है ना तो जब ये ये जल तत्व हो गया तो आप देखेंगे जिसको भी ज्यादा सर्दी हो जाती है जुकाम हो जाता है वो वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है ऐसे ही भवन में वास्तु में ये देखते हैं कि घर के अंदर जो पंच तत्व है वो अलग अलग दिशा में बताए गए हैं उसका लोकेशन है Okay. जैसे नॉर्थ से लेके आप नॉर्थ ईस्ट का एरिया देखेंगे तो वो जल तत्व है okay. आप साउथ ईस्ट से लेके साउथ देखेंगे तो वो आपका फायर एलिमेंट है hmm. और आप साउथ वेस्ट में देखेंगे तो ये आपका पृथ्वी तत्व है hmm. अर्थ एलिमेंट है इस तरह से ये जो पंच तत्व है वो हर एक घर के ऑफिस के या भवन के पांच जो अलग अलग जोन है उसके hmm. अंदर ये पांच एलिमेंट है जिस घर का अगर फायर एलिमेंट वीक है साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर उस घर में फायर रिलेटेड हेल्थ के इश्यूज होते हैं जैसे हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो फायर एलिमेंट पे बेस है हम इसलिए बोलते हैं कि वो आपका पेट हाँ, हाँ पाचन तंत्र के अंदर हम बोलते हैं जठराग्नि उसमें भी अग्नि आया अगनी तो जब अगर आपका घर का फायर एलिमेंट बैलेंस होगा और आपका बॉडी का भी फायर एलिमेंट बैलेंस होगा तो आपका डाइजेशन सही होगा ओके okay, तो उसको अगर आसान भाषा में समझाई तो साउथ और साउथ ईस्ट हाँ, इतने को हाँ। करता है, तो क्या इसका मतलब यह होता है कि वहाँ पर किचन होना चाहिए पहले तो हाँ, इसीलिए बोलते हैं किचन जो है आपका अग्नि में होना चाहिए साउथ ईस्ट में ओके okay. इसीलिए बोलते हैं तो देखिए फायर का ओपोनेंट uh, क्या है वाटर है ना तो वाटर एग्जैक्ट साउथ के ऑपोजिट में है नॉर्थ में, में। है ना तो नॉर्थ में वाटर एलिमेंट है अगर साउथ या साउथ ईस्ट में वाटर एलिमेंट आ गया अंडरग्राउंड वाटर आ गया यार पानी भर के रखते हैं या टॉयलेट आ, तो आ, आ गया तो ये बाथरूम आ गया तो ये डिफेक्ट हो गया तो फायर में वाटर आ गया तो जब फायर में वाटर आता है तो फायर तो वीक होता ही है लेकिन वाटर खुद भी वीक होता है हम्म अच्छा ओके हाँ, सो दोनों किस्म के प्रॉब्लम आ सकते दोनों तो दोनों जोन जो है उससे प्रभावित होंगे और उससे जुड़े पार्ट में उस एलिमेंट से जुड़े आपके ऑर्गन का प्रॉब्लम होगा ओके 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 समझ गई अब लेट्स से कि किसी का साउथ साउथ ईस्ट में ही किचन है तो फायर एलिमेंट तो उन्होंने यूटिलाइज कर लिया क्या तो भी उसका कोई और रूल होता है कि जिससे अगेन अगर किचन को ऐसा किया वो नहीं किया तो आपको डाइजेशन इश्यू हो सकता है या फिर किचन उस जगह में हो, के काफी डिटेल काफी होते हैं एक okay. तो आपका में होना लेकिन दूसरा ये भी है ओके okay. okay. और वहाँ पे एक खिड़की होनी चाहिए वो इसलिए है कि जब भी कोई कुक करता है खासकर हमारे यहाँ तो महिला ये करती है तो जब वो कुक करते हैं और वहाँ पे खिड़की है तो सनराइज जो होता है वहां से सूर्य की किरणें आती है और वहाँ पे आपका खाने का सामान भी होता है तो उसको एक लाइफ भी मिलती है इन अ वे वो 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 ग्रोथ होता है वो हाँ, वो भी होता भी नहीं है, रहता तो उसके साइंटिफिक रीजन hmm. है वास्तु इज अ साइंस राइट ओके सो बहुत कुछ समझ आ रहा है तो कुकिंग करते वक्त भी अगर वो ईस्ट में देख कर ईस्ट फेसिंग हवाइल कुकिंग उनका अगर फेसिंग ईस्ट है तो hmm. वो बढ़िया नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है

तो आप फायर so, को वाटर एलिमेंट के अंदर ले गए। आपको मैं एक बार रोकूंगी आप वास्तु पुरुष कहाँ से शुरू होते हैं हाँ, उनका हाथ पैर वगैरह हाँ, कहा होता हाँ, हाँ, है एक बार देखिए सा। हाँ, हाँ हम पिक्चर में भी दिखा देखते हैं वास्तु पुरुष का जो सर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है ओके okay. है ना और फिर उनको डायग्नल पूरी बॉडी उनके साउथ वेस्ट में जाती है तो पैर जो उनके साउथ वेस्ट में है और उनकी जो कोनी वगैरह है वो एक जो है साउथ ईस्ट में है और दूसरी जो है उनकी है वो नॉर्थ वेस्ट में, में। है तो इस तरह चार चार जो हमारे कॉर्नर होते हैं नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट उस तरह बॉडी के चारों जो कॉर्नर में सारे पार्ट्स हैं तो जिस पार्ट्स के अंदर वास्तु दोष होगा उस बॉडी के उस पार्ट के अंदर संभावना है कि पे वो ओके, ओके, हेल्थ हाँ। तो उसकी वजह से अगर वहां पर किचन है तो, तो फायर एलिमेंट आ गया तो दो चीजें होंगी एक वाटर एलिमेंट के अंदर फायर एलिमेंट आया तो आपका वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया अब वाटर है क्या पानी क्या है दो चीजें हैं। एक वाटर जो है प्योरिटी है दूसरा है वाटर फ्लो है गति है। आपके जीवन के अंदर गति होना चाहिए अगर वो होगा तो अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी अगर गति है तो आप ग्रो भी कर सकते हैं तो वाटर जब कमजोर हो जाएगा तो आपका जो जीवन का जो फ्लो है वो भी कमजोर हो जाएगा और दूसरा वहां पे वास्तु पुरुष का स्तर है अगर वहां पे अपने फायर एलिमेंट दे दिया तो आपको एंग्जाइटी हो सकती है छोटी छोटी बातों में भी आप गुस्सा हो सकते हैं और खासकर महिलाओं को उधर रहना है तो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना हर वक्त गुस्से में रहना या बिना कारण स्ट्रेस में रहना तनाव में रहना एंग्जाइटी में रहना ये सार सारी चीजें हो सकती है और अगर लंबे वक्त तक हमने इसका ध्यान नहीं रखता नहीं रखा तो न्यूरोलॉजिकल काफी सारी समस्याएं हो सकती है अच्छा हाँ आहा। न्यूरोलॉजिकल इशू भी हो सकते काफी हैं। काफी हो सकते हैं ओके okay, ओके okay. आपके दिमाग आपके पास तो बहुत सारे ऐसे कहानियाँ होंगी जो मैंने सुनी है आपको हर रोज़ लोग मैसेज भेजते रहते हैं आई एम श्योर ऐसी भी कहानियाँ होगी कि लोगों को ये प्रॉब्लम होता था सब कुछ ट्राई किया और वास्तु का पोजीशन सिर्फ बदल दिया या आ, कुछ डिस्ट्रक्शन करने की भी ज़रूरत नहीं है छोटी बड़ी रेमेडी से ही उन्होंने वो मेंटल पीस को वापस से पा लिया एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप बहुत बड़ी आसानी से दर्शक भी समझ जाएंगे मेरे एक सूरत के क्लाइंट है अब उन उन्होंने क्या किया कि अपना जो एक घर था पुराना वहां उन्होंने मकान बेच दिया okay. पुराना मकान तो वहाँ का कुछ उनकी जो यादी हुई जुड़ी हुई थी उसमें एक अलमारी थी काफी जिसका वजन था 300-400 किलो oh. वो अलमारी वो लेके आए बोले ये तो पुरखों की हम इसको नहीं दे सकते वो अलमारी उन्होंने लाके अपने घर के ब्रह्मस्थान में नीचे जगह थी वहां पे रख दी ब्रह्मस्थान मतलब की मतलब सेंटर ऑफ द हाउस ठीक है ना जैसे हमारा जो ब्रह्मस्थान है वो हमारा नाभि का केंद्र है और जब हमारी नाभि केंद्र में कुछ प्रॉब्लम होता है तो पूरा डाइजेशन सिस्टम सब कुछ खराब हो जाता है तो क्या हुआ कि उनके घर के अंदर वो जो अलमारी ब्रह्मस्थान में रखी उसकी वजह से उनके जो मदर थे वो उम्र लायक थे तो उनके मदर को उस दिन से स्टमक के प्रॉब्लम होने लगे बहुत सारे Oh. कितने लोगों को दिखाया सब तरह के टेस्ट करवाए एक डॉक्टर वॉज नॉट एबल टू फाइंड कि इनको प्रॉब्लम क्या है hmm. फिर जाके उनको आया, याद आया कि चलो वास्तु फिर उन्होंने मुझे मैप भेजा फिर मैंने देखा इसमें तो कुछ वास्तु दोस्त दिख नहीं रहा है फिर मैंने उनको पूछा कुछ तब बदलाव किए हैं कि आपने घर में कुछ दिनों में कुछ कुछ ऐड किया है कुछ नया खरीदा है या कुछ कंस्ट्रक्शन किया है या सेंटर में कुछ प्रॉब्लम है बोले हमने कुछ ऐसा कुछ बदलाव नहीं किया ना ही कुछ खरीदा है फिर उनको याद आया कि हाँ एक अलमारी हम तीन महीने पहले लेके आए थे मैंने बोला वो कहाँ रखी बोले वो घर के सेंटर में है मैंने फिर वो ये प्रॉब्लम इसी से है आप उसको हटाओ और फिर मैंने ये भी कन्फर्म किया कि ये प्रॉब्लम तभी से हो रहे जब से अलमारी लाए हैं बोले हाँ और जैसे ही उन्होंने अलमारी हटाई दो दिन में माता जी का पेट का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया क्या बात है क्या बात है कितनी छोटी सी चीज है हाँ। इससे हाँ। एक मैसेज ये जाता है कि जब कोई भी बीमारी हो वो न्यूरोलॉजिकल हो या आपके स्टमक रिलेटेड हो या जॉइंट्स के रिलेटेड हो अगर सारे रिपोर्ट करवाने के बावजूद डॉक्टर इज नॉट इन ए पोजीशन टू डायोगनाइज आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं वास्तु से जुड़ा कोई दोष है तभी ये हो सकता है हम्म hmm. कोर्स कभी कभी लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर तो है ही है और आ, उसके ऊपर तो आ, हम भी बात करते ही रहते हैं बार बार आप भी बताते रहते हैं अपने आ, यू नो अपने जो भी क्लाइंट्स हैं उनको बट जब ऐसा लगे कि सब ट्राई कर लिया है नहीं हो रहा है तो वास्तु बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले कर सकता है और आप जब लाइफस्टाइल रिलेटेड भी सपोर्ट मिल जाता है हाँ। तो आकाश तत्व की बात बताऊ तो हम और आप लोग तो हेल्थ कोच है आप सबको बताते हैं कि आप जो है पेट के अंदर पच्चीस या तीस जगह खाली रखिए पेट को पूरा मत भरिए क्यों क्योंकि वो स्पेस एलिमेंट है टमेट के अंदर अगर आप जगह नहीं रखेंगे तो उसको मूवमेंट के लिए स्पेस नहीं मिलेंगे हम बोलते हैं लाइफ में स्पेस चाहिए अगर स्पेस नहीं है तो सफोकोसन हो जाता है तो पेट के अंदर भी स्पेस चाहिए अगर वो स्पेस हम नहीं रखेंगे अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे तो जो हमारे बॉडी का जो स्पेस एलिमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा हुँ। हुँ। इसलिए हम कहते इतना पानी पीना चाहिए जब हम पानी कम पीते हैं तो बॉडी में वाटर एलिमेंट डाउन होता है इसीलिए डिहाइड्रेशन होता है लेकिन वो Dehydration की वजह से problem तो होती है लेकिन main जो root cause है है लेकिन जो उसका वो है, आपका आजकल पापा आपने भी देखा होगा कि लोगों को सोने का प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो चुका है सो नहीं पा रहे इन सोमनिया स्लीप इश्यूज करवटे बदलते रहना एक दो घंटे तक नींद ना आना और फिर रात भर जगे रहना या रात में बीच में उठ बीच जाना, में बीच बीच उठ जाना फिर नींद नहीं आना नींद नहीं आना फिर, फिर सुबह उठने के बाद भी एनर्जी ना रहना फ्रेशनेस तो क्या इसका कोई लेना देना है डेफिनेटली लेना देना है सबसे पहला रीजन है देखिए आप हम जानते हैं साइंस साइंस जो भी पढ़े हैं उनको पता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना तो ये नॉर्थ पोल जो है वो मैग्नेटिक है जब आप वास्तु में बोलते हैं कि हर जगह सर रख के सो सकते हैं लेकिन नॉर्थ की तरफ आप सर रख के नहीं सो सकते नॉर्थ में आपका सिर नहीं होना हाँ चाहिए। आपके बेड की पोजीशन इस तरह से होनी चाहिए कि आपका सर जो है वो साउथ में होना चाहिए ओके क्योंकि वहां पे साउथ पोल है तो वहां पे सर रखने से आप रिलैक्स होते हैं अच्छा। और दूसरा जो पोजिशन बेस्ट है वो ईस्ट है अगर कुछ भी ना मिले तो वेस्ट में रखिए बट नॉर्थ इज हाईली अवेडेबल क्योंकि okay. वहां पे नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक है तो जब आप वहां पे सोते हैं तो आपके ब्रेन वेव डिस्टर्ब होते हैं अच्छा। स्ट्रेस बढ़ता है एंजाइटी बढ़ती है दूसरी ये चीज हो सकती है आजकल जो बेड जो है वो बॉक्स बेड बनते हैं है ना मतलब? तो हाँ वो, हाँ वो तो, और स्टोरेज का एक क्योंकि छोटे छोटे मकान है वहां पे रखने की जगह नहीं होती तो लोग वो बॉक्स वाले बेड बनाते हैं और फिर क्या अच्छा, करते हैं जितना भी सामान एक्स्ट्रा है गद्दे और गद्दे है अपने शादी के कपड़े हैं एल्बम या कुछ भी है वो सारा भरते हैं हाँ। अब ये जो भी चीजें आप भरते हैं वो आपके स्लीप को डिस्टर्ब करता है अच्छा क्या हाँ बत? तो मतलब अभी तो मुझे याद है बहुत सारे घर में होता है कि बेड में एक यू you नो know, होता है कि आप ऊपर करो और नीचे सारा सामान हाँ, बड़ा हुआ हाँ। है ऑफ कोर्स जगह नहीं होती है तो वो जगह मैनेज करते हैं बट उससे भी उससे भी हाँ वो इट डिपेंड्स कि आप उसमें क्या रखा है अगर बहुत पुरानी चीजें रखी है बहुत टूटी फूटी चीजें रखी है तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रखे सपोज आपने एक मॉनिटर है आपके वो, 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 वो कंप्यूटर का और मोनिटर आपने बोला बाद में काम आएगा बाद में रिपेयर करेंगे आपने रख दिया अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स खराब आइटम है वो राहू की चीजें हैं अच्छा हाँ अब वो आपने आपके पलंग के अंदर रख दी वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगी अब ये नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगी वो आपके उसकी आपके ब्रेन वेव उसकी जो है उसको डिस्टर्ब करेगी तो आपको नींद नहीं आएगी आपको पता नहीं चलेगा कि क्यों नहीं हो क्यों हो रहा है ऐसा लेकिन ये होता है तो हम कहते हैं कि बेड ऐसा मत बनाओ और बनाओ तो भी उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रखो पुरानी बिगड़ी हुई चीजें ना रखो और उसको रेगुलरली साफ करते रहो रिसफल करते रहो ऊपर okay. है तो नीचे करो नीचे है तो ऊपर करो दाएं है तो बाएं करो तो मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम्म अगर अगर जैसे तालाब का पानी गंदा हो जाता है पी नहीं सकते हैं क्योंकि ठहरा हुआ है वैसे ही हाँ, आपको ठहरी हुई जगह नहीं रखनी है उसे बहने everything दो एवरीथिंग हाँ मतलब हाँ, घर में कोई भी चीजें जो काम की नहीं है मैं सिर्फ बेड की बात नहीं कर रहा हूँ पूरे घर के अंदर कोई भी चीज जो आपकी काम की नहीं है तीन साल तक उसका कोई यूज नहीं होने वाला है लंबे समय तक पड़ी रहने वाली है वो भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है लोगों के लोगों की बहुत बड़ी आदत होती है कि चीजों को पकड़े वो रखी अ डिफरेंट स्टोरी बट कभी कभी हमने खुद ऐसी चीज खरीद ली और हमने इस्तेमाल कभी करना छोड़ ही दिया है कब से तो भी घर में पक, रखते हैं किताबें बेकार सी हो सकती है अफकोर्स जो काम का है वो रखे बट जो जरूरत नहीं है वो सारी चीजें रखने से हेल्थ में असर होता रखल की चीजें बिगड़ी हुई चीजें आउट ऑफ ऑर्डर चीजें टूटी हुई चीजें ये सारी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है वो कहीं ना कहीं आप आपके हेल्थ को भी खराब कर सकती है रिलेशनशिप को भी खराब कर सकती है रिलेशनशिप पे भी असर या, होता है। उससे भी असर होता है अच्छा ओके सो आई थिंक वास्तु का पहला ही नियम ये होगा कि घर में जो कोई भी ऐसी चीज है क्लटर है बेसिकली उसे हटा दे हटा दें और क्लटर को हटाकर जैसे हम होल, हेल्थ कोचिंग जब करते हैं उसमें जब हर हफ्ते एक बार मिलते हैं और कुछ कुछ टास्क देते हैं उसमें टास्क जरूर मैं अपने हाँ। कोचेस को देती हूँ की घर में और ऑफिस में जो भी क्लटर है वो हटाए क्लटर करे ऑर्गेनाइज रखे और उसको रेगुलरली मूव करते रहे कोई भी चीज अगर स्टेग्नेट हो गई तो वो नेगेटिव देखिये हमारा हाथ है है ना एक राइट हैंड है अब ये पूरी तरह से काम अभी मैं इसको बैंडेज बांध दू और तीन चार दिन बांध के रखू तो फिर मुझे फिजियोथेरापी के पा, पास जाना पड़ेगा क्यों क्योंकि मेरे मैंने अपने हाथ को बांध दिया तो एनर्जी का फ्लो ब्लॉक हो गया तो पूरा जो, जो ये वास्तु जो है वो एनर्जी के ऊपर काम करता है अगर पंच तत्व का संतुलन है तो एनर्जी सही तरह से काम करेगी अगर संतुलन बिगड़ गया तो वो जो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी ब्यूटीफुल तो आपने इन को लेकर बताया कि एक तो नॉर्थ साइड आपका फेस नहीं होना चाहिए साउथ बेस्ट है ईस्ट रख सकते हो या फिर कुछ नहीं तो वेस्ट रख सकते बट हाँ, साउथ मत हाँ, रखो। हाँ, आ, क्या, में आपका है, वेस्ट एरिया जो है उसके बाजू में वेस्ट है तो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है जिसको हम बोलते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट वो एरिया एक्चुअली जो है वो कोप भवन का है कोप भवन क्या बोलते हैं पुराने जमाने में राजा महाराजा जो होते थे उनकी जो रानियां होती थी उनकी जो दासियां होती थी और उनके घर में जो फीमेल्स होती थी वो जब बहुत पीड़ित हो जाती थी तो वो बाहर नहीं जा सकती थी उनको घर में ही रोना होता था तो उसके लिए भी एक जगह आइडेंटिफाई की हुई थी थी जिसको कोप भवन बोलते हैं और वो उसका वास्तु के हिसाब से एरिया ये है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यू एंड डब्ल्यू वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट अगर वो एरिया है उसमें अगर कोई सोता है तो वो डिप्रेस हो जाएगा उसके वाइब्रेशन असर कर हाँ तो उसकी असर करती है जैसे साउथ साउथ वेस्ट है अब वो टॉयलेट के लिए अच्छी जगह है एक्सरसाइज साउथ वेस्ट साउथ और वेस्ट साउथ वेस्ट के बीच का साउथ साउथ ऑफ साउथ वेस्ट hmm. वो जो एरिया है वो डिस्पोजल का है तो वहाँ पे अगर आपको गुस्सा निकालना है वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं hmm. है ना आपको स्वेट निकालना है उसके लिए ठीक है आप टॉयलेट उधर बना सकते हैं लेकिन वहां पे अगर आप सोते हैं तो भी आपकी हेल्थ खराब हो सकती है अच्छा हाँ तो सोने के लिए लेकिन अगर आप एग्जैक्ट साउथ में सोते हैं और आपका हेड भी साउथ में है तो साउथ इज अ जोन ऑफ रिलैक्सेशन ओके तो आप रिलैक्स हो जाएंगे क्या बात है ओके वेरी नाइस nice. आप जो बेडरूम है उसका उसकी आपने दिशा बताई कि साउथ में अगर बेडरूम है घर में तो चलेगा हाँ साउथ अच्छा है वेस्ट भी अच्छा है देखिए कैटेगरी के ऊपर अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट अच्छा है अच्छा हाँ वो वो काफी डिटेल वो है काफी बच्चों है। के लिए ईस्ट भी अच्छा है और जो स्किल्ड पर्सन है जिसके ऊपर जो काम करते हैं उसको उसको स्किल में जैसे डॉक्टर हैं या जिनको मतलब स्किल बहुत चाहिए तो वो साउथ वेस्ट में अगर सोते हैं तो बढ़िया है अच्छा। तो वो कैटेगरी के हिसाब से होता है अच्छा। लेकिन आपको साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच का एरिया जो है ईस्ट ऑफ साउथ वेस्ट उसको अवॉइड करना है साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का एरिया अवॉइड करना है और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का एरिया अवॉइड करना बाकी सारी जगह आप सो सकते हैं ओके okay. हाँ. किसी को भी अगर लेट्स से जॉइंट रिलेटेड इश्यू हो रहा है हुँ. तो उसमें कोई वास्तु का हो सकता है डेफिनेटली हो सकता है देखिए जॉइंट जो आपके जो है आपके घुटने जो हैं वो जो है एक जाता है आपका साउथ ईस्ट में और एक जाता है आपका साउथ नॉर्थ वेस्ट में हुँ. तो अगर उस जगह पे कोई वास्तु डिफेक्ट है हुँ. तो हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है कि वहां एग्जैक्ट वास्तु पुरुष का जहां पैर आता है वहां पे आपने कोई पिलर है Hmm. अगर वहां पे कोई वजन वाली चीजें हैं देखिए हमारे बॉडी में कुछ मर्म स्थान होते हैं है ना आप कराटे में देखते होंगे right. जहां पे वो जो मारने वाले होते हैं एक थोड़ा सा पिंच कर hmm. देते हैं और आदमी गिर जाता है जिसे मर्म स्थान बोलते हैं बॉडी ऐसे ऐसे मकान के भी मर्म स्थान होते हाँ जैसे हमारे पे, पे जो ब्रह्मस्थान है वो सबसे बड़ा मर्म स्थान है महामर्म स्थान है हुँ। तो वहां पे आप करेंगे तो बहुत समस्याएं होंगी तो अगर उस मर्म स्थान पे कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन हो गया या ऐसी कुछ वजन वाली चीज हो गई तो भी ज्वाइंट का प्रॉब्लम हो सकता है और दूसरा हमारे जो पैर है वो साउथ वेस्ट में है और साउथ वेस्ट जो है वो स्टेबिलिटी का जोन भी है तो अगर साउथ वेस्ट कटा हुआ

और आपका जो ब्रह्मस्थान है वो आपका स्पाइनल का एंड आता है ओके okay. तो नॉर्थ ईस्ट से लेके ब्रह्मस्थान तक आपको हल्का रखना है कोई ज्यादा वजन वाली चीजें नहीं रखनी है वो देखना है अगर वो साफ सुथरा होगा अगर वो हल्का होगा अगर वहाँ पे क्लटर नहीं होगा तो आपकी स्पाइन को प्रॉब्लम नहीं होगा बहुत बढ़िया आप कोई ओवरऑल अब ओवरऑल हेल्थ किसी को इम्प्रूव करनी है तो कोई वास्तु रिलेटेड टॉप थ्री टिप्स देना चाहेंगे कि आप ये करो ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होगी जैसे एक आपने डी क्लटर बताया कि घर से कचरा साफ कीजिए जो जरूरी नहीं है वो हटाइए आई थिंक दूसरा आपने ये भी बताया कि मूवमेंट कीजिए यानी कि यहाँ से वहां चीजों को रखना जो पड़ी हुई है एक ही जगह पर जो यूज नहीं हो रही है उसे हटाते रहिए तो उसके अलावा कोई दो तीन टिप्स आप जो देना चाहें देखो सबसे ज्यादा जरूरी है जैसे हम सांस लेते हैं हमारे लिए प्राण वायु जरूरी है hmm. है ना और हमें देखने के लिए रोशनी होगी तो हम सब देख सकते हैं hmm. है ना ऐसे ही मकान जो है कोई भी भवन है उसके अंदर आ, उचित मात्रा में आ, हवा होनी चाहिए hmm. एयर सर्कुलेशन ठीक मात्रा में होना चाहिए वेंटिलेशन hmm. हाँ वेंटिलेशन मतलब उसका फ्लो जो है वो अच्छी तरह होना चाहिए घर में हवा का आवागमन अच्छी तरह से होना चाहिए और दूसरा है प्रकाश लाइट तो मतलब नेचुरल लाइट भले सीधा वहां पे धूप ना आए लेकिन जो नेचुरल लाइट है दिन में आपके घर में लाइट की जरूरत नहीं होनी चाहिए hmm. रात को ही होनी चाहिए दिन Artificial में कहीं कही, हाँ, लाइट मतलब नहीं है इसका है मतलब वहां पे रोशनी पूरी नहीं मिल रही है hmm. तो जहाँ पे स, सन की रोशनी नहीं जा रही है नेचुरल hmm. लाइट उस एरिया की जो एनर्जी है वो डाउन हो जाएगी hmm. और उस एरिया में जो आदमी जो बंदा फैमिली मेंबर टाइम स्पेंड करेगा वो उसका मूड भी लो हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल ये मुझे पता है आ, मम्मी हमेशा दरवाजे जब भी सुबह उठते हैं खिड़की दरवाजे सब कुछ खोल देती थे और वही आदत मुझे भी है आज भी जब मैं उठती हूँ हमारे बेडरूम और सामने गेस्ट रूम वगैरह वो सारी सारी खिड़की दरवाजे सब कुछ मैं खोल देती हूँ और ब्यूटीफुल हवा भी आती है एंड आई सी कि जब भी कोई दिन मैं नहीं खोलती हूँ वर्सेज जब खोलती हूँ दोनों में एनर्जी शिफ्ट हो जाती है hmm. मूड शिफ्ट हो जाता है टोटली डेफिनेटली तो बिल्कुल सही तो इसलिए हवा और प्रकाश दोनों उचित मात्रा में होना बहुत जरूरी है hmm. दूसरा ये है कि जो आप घर के अंदर आ, आपका जो घर है उसका स्लोप भी मायने रखता है देखिए एनर्जी का जो फ्लो है hmm. वो नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट ये तीन जोन है वहां से एनर्जी एंटर करती है पॉजिटिव okay. एनर्जी है वो फ्लो करती है नॉर्थ से लेके ईस्ट के बीच से हुँ. और वो स्टे करती है आपके घर के साउथ वेस्ट साउथ और वेस्ट के बीच में इसीलिए आपका घर का जो भाग है वो हैवी ज्यादा साउथ और साउथ वेस्ट की तरफ होना चाहिए ओके. और नॉर्थ ईस्ट आपका हल्का होना चाहिए क्योंकि वहां से एनर्जी क्योंकि वहां से एनर्जी आती है अगर आपने आपका नॉर्थ और ईस्ट अगर ब्लॉक है वहां से एनर्जी को आने की जगह नहीं है तो ये जैसे हमको प्राणवायु कम मिलता है Hmm. उसमें घर जैसे तो फिर हिमोगलोबिन भी आपका कम हो जाता है right. तो इस तरह से अगर भवन में भी ये सकारात्मक ऊर्जा अगर कम आती है पॉजिटिव hmm. एनर्जी का फ्लो बाधित होता है hmm. तो इसका ओवरऑल घर में रहने वाले सब लोगों के हेल्थ के ऊपर भी असर होता है ओके okay. और इसमें कैसे पता चलेगा कि वहां पर भारी चीजें रखी गई है कोई एग्जांपल है देखिए एक तो स्टोर रूम नहीं होना चाहिए स्टोर रूम नॉर्थ में नहीं होना चाहिए नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट में स्टोर रूम नहीं होना चाहिए फिर मेटल की चीजें वजनदार जैसे अलमारी लोहे की है तो नहीं आग, वुड से बना हुआ वॉल है और वहां पे आ, आपने हल्की चीजें रखी है तो कपड़े हैं गद्दे हैं तो चलेगा लेकिन आपने सपोज नॉर्थ में आपने गेहूं अगर आपने 200 किलो गेहूं रख दिया 10-15 डब्बे तेल के रख दिए तो ये समस्या करेगा पैदा हेल्थ okay. के रिलेटेड इश्यू पैदा करेंगे तो इससे बचना है और घर में जितनी भी चीजें आप रखेंगे ऑर्गेनाइज रखेंगे अगर ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो भी आपका हेल्थ डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा हम्म सो डिसऑर्गेनाइज्ड और क्लटर्ड घर मतलब क्लटर्ड बॉडी हो जाएगा यू आर इनवाइटिंग हेल्थ इश्यूज हम्म आप ही आमंत्रित कर रहे हैं राइट right, राइट right. किसी को भी अगर स्ट्रेस ओवरथिंकिंग एंजाइटी बहुत ज्यादा होता है तो एक तो आपने बताया कि नॉट uh, साइड अगर वो सोते हैं या नॉर्थ में uh, सोने से होता है दूसरा आपका जो एंजाइटी का जो आ, एक दूसरा जो एरिया है वो आपका साउथ ईस्ट है क्योंकि फायर एलिमेंट है okay. अगर वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है तो भी एंजाइटी और इनसिक्योरिटी uh, की फीलिंग वो सारी वहाँ से भी आ सकती है ओके okay. सो so, वो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है कॉमनली जो लोकल वाटर तो नहीं होना चाहिए साउथ ईस्ट में वाटर वाटर नहीं होना चाहिए, चाहिए। वहां पे ब्लू कलर कलर भी बहुत मैटर करता है ईच एंड एवरी कलर रिप्रेजेंट पर्टिकुलर एलिमेंट तो कलर वहां का कलर रेड है hmm, South, क्योंकि रेड फायर का।, का है तो अगर आपका ऑफ वाइट कलर है क्रीम कलर है आइवरी है तो वो सारे यूनिवर्सल कलर है लेकिन अगर आपने फायर एलिमेंट के अंदर ब्लू कलर ला दिया ब्लू कलर अगेन जो है वो पानी का कलर है राइट right. और नॉर्थ में आपने रेड डाल दिया रेड उल्टा हो जाएगा हाँ तो इसलिए कलर भी आपको संभाल के करना है अगर आप व्हाइट कलर करते हैं ऑफ वाइट कलर करते हैं कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है okay. तो कलर का इस्तेमाल भी आपको बड़े ध्यान से करना है ओके okay. ये बहुत इंटरेस्टिंग बताया हाँ। आपने तो वाइट है क्रीम है ऑफ वाइट लाइट कलर सब लाइट कलर जितने भी होंगे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आपने डार्क कलर लिए और वो भी ऑपोजिट डिरेक्शन में आ गए जैसे रेड नॉर्थ में आ गया या ग्रीन अगर आपका वेस्ट में चला गया Hmm. तो इस तरह से रेड आपका नॉर्थ में चला गया तो ये उस जोन को डिस्टर्ब करते हैं ब्यूटिफुल hmm. आप, आपके पास कोई एक दो और कहानी आप बता सकते हैं कि जहाँ पर उनको कोई मेजर हेल्थ कंडीशन था जैसे इवन कैंसर hmm. मैंने आपसे ही सुना है बहुत बार कि ऐसे कैंसर पेशेंट्स आपके पास आते हैं कि जिनका सिर्फ वास्तु चेंज हो जाता है और उनका ये कॉम्प्लिकेशन भी इतना बड़ा दूर हो जाता Definitely. है देखिए कैंसर जो है वो क्या है हमारे बॉडी में सेल जो होते हैं वो बहुत जल्दी डेड हो जाते हैं है ना और हमारे बॉडी को गवर्न करता है हमारा दिमाग तो हमने कई किस्सों में देखा है कि अगर घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है नॉर्थ ईस्ट मतलब वास्तुपुरुष का सर है ना अगर वहां पे टॉयलेट है तो हमने देखा है कैंसर होने की बहुत ज्यादा संभावना है तो दो चीजें हम करते हैं कि एक तो टॉयलेट हम वो बंद करवा देते हैं वहां पे बाथरूम का कोई इश्यू नहीं है okay. टॉयलेट नहीं होना चाहिए तो एक तो टॉयलेट को हम वहां से निकलवाते हैं हुँ. और दूसरा एक जियोपैथिक स्ट्रेस होता है हुँ. जर्मनी के साइंटिस्ट ने ढूंढा है कि ये जो जो अर्थ के नीचे लाइन जाती है करी जिसको बोलते हैं वो अगर वो लाइन जा रही है और उस लाइन के ऊपर आपका बेड है तो भी कैंसर हो सकता है तो उस उस केस में हम क्या करते हैं उनके बेड को जो है वो हम चार छ फुट थोड़ा सा दूर करा देते, देते हैं।, हैं या उनका जो बेडरूम चेंज करा देते हैं तो जैसे ही बेडरूम चेंज होता है जैसे ही टॉयलेट बंद हो जाता है उनको काफी रिलीफ मिल सकती है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको ये कैंसर से मुक्ति भी मिल सकती है अच्छा हाँ ऐसी कि, कि, कि आपने बहुत सारे केसेस देखे काफी सारे केसेस देखे और हमारा जो वास्तु एक्सपर्ट्स का ग्रुप होता है उसमें भी केस स्टडीज दूसरे भी हमारे कलीग्स डालते हैं उससे भी पता चलता है तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट इज हाईली अवेलेबल साउथ वेस्ट की एंट्री इज हाईली अवेलेबल साउथ ईस्ट की एंट्री साउथ वेस्ट की साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट की एंट्री मतलब घर की मेन एंट्री हाँ मतलब नॉर्थ ईस्ट के एग्जैक्ट डायगोनल सामने पड़ता है साउथ वेस्ट राइट right. ये दोनों अवेलेबल है और ये दोनों अगर एक साथ आ गए oh. तो फिर तो यू समझ लो कि फिर यू समझ लो कि किचुनेटली बीमारियां बीमारी मतलब कोई ऐसी आफत नहीं होगी दुनिया में जो आपके घर में नहीं आएगी एक तो आपने बताया साउथ वेस्ट में एंट्री है एं, एंट्री नहीं होनी चाहिए तो है। है अब जो लोग सुन रहे हैं ना उसमें से कुछ लोगों का हो सकता है कि उल्टा है आगे पीछे क्योंकि उन्होंने शायद वास्तु पहले नहीं करवाया था या किसी से सलाह नहीं ली थी और उन्होंने सिर्फ क्या अच्छा लगा वैसे करके बना दिया या किसी का रेडीमेड था ले लिया अब बिना उसमें कोई ना कोई भी किस्म का डिस्ट्रक्शन किए तोड़ना नहीं है कोई भी चीज को तो रेमेडी हो सकती है हाँ अभी तो देखिए पिछले 20 साल में वास्तु में बहुत रिसर्च हुआ है डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत हुआ है उसके आधार से पता चला है कि ऐसी रेमेडीज बनाई जा सकती है और अभी बनी भी है जिसका उपयोग करके हम वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है और मेरा जो मानना है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जो है वो मोस्ट ऑफ केसेस में हमको हटाना पड़ेगा ओके okay. हां बाकी एंट्री को हम ट्रीट कर सकते हैं दूसरे कोई वास्तु डिफेक्ट्स हो तो ये पिरामिड है यंत्र है काफी सारे रेमेडीज अभी नए नए इन्वेंट हुए हैं तो उस रेमेडीज को अप्लाई करके हम और मेरा तो एक्सपर्टीज है डिम हाँ, वास्तु सॉल्यूशन विदाउट डेमोलिशन तो वो अभी संभव है यस यस आपने लेकिन मैं अभी सबको सलाह देता हूं कि देखिए आप जब भी कोई मकान खरीदता है तो अपने जीवन में एक या दो बार खरीदता है और पूरी जीवन भर की पूंजी लगाता है है ना तो जब भी मकान खरीदे तो कम से कम ये देखें कि उस घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो साउथ वेस्ट में एंट्री ना हो हाइट वजन ज़्यादा नॉर्थ या ईस्ट में ना हो किचन भी नॉर्थ ईस्ट में ना हो अगर ऐसा करेंगे क्योंकि देखिए अगर आपको पीसफुल नींद नहीं आ रही आपका आपके परिवार के सदस्यों का हेल्थ अच्छा नहीं है तो आप उस घर कितना भी बड़ा मकान होगा आप वहाँ पे एंजॉय नहीं कर सके बिल्कुल बिल्कुल और जो पैसे आप खर्च कर रहे हैं घर बनाने में उसमें से थोड़े बहुत भी अगर आप कोई कंसल्टेशन कं, कंसल्टेशन के लिए दे देते हैं और थोड़ा हाँ, तो वास्तु का नॉलेज पा लेते हैं या खुद ही सीख कर आप करते हैं तो एटलीस्ट फ्यूचर में जो ठीक है आप हॉस्पिटल जाएंगे और जो भी खर्चा करना पड़ेगा उसके अलावा मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जैसे हेल्थ का वो सेंटेंस है ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो वो जो सेंटेंस है वो वास्तु में भी अप्लाई होता है आपने मकान खरीदा और ये इंश्योर किया कि मेरा मकान जो है वो वास्तु कॉम्प्लाइंट है तो फिर वहां पे जाने के बाद आपकी हेल्थ और बेहतर हो जाएगी बीमार तो नहीं होंगे लेकिन आप जो है बेहतर से बेहतर हेल्थ को भी प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल तो वास्तु वो आपको ओवरऑल ग्रोथ देता है फिजिकल मेंटल फाइनेंशियल हर तरह के ग्रोथ वास्तु दे सकता है आपको अब जब अलग अलग इश्यूज की बात कर रहे हैं तो हार्ट का भी आप प्लीज बता दीजिए जितने लोग देख रहे हैं उसमें से किसी को भी अगर हार्ट इश्यूज है तो वो घर में क्या ध्यान रखे देखिए हार्ट जो है हमारे जितने भी ऑर्गन है ना वो किसी ना किसी प्लेनेट से जुड़े हुए हैं हार्ट जो है हमारा सूर्य से जुड़ा हुआ है और वास्तु में सूर्य की जो पोजिशन है वो ईस्ट की है तो अगर ईस्ट के अंदर कुछ वास्तु डिफेक्ट है कोई लोहे का सामान है कोई एंटी एलिमेंट है तो हार तो वहां पे टॉयलेट है तो एक तो हार्ट का इश्यू हो सकता है और दूसरा साउथ वेस्ट में अगर कोई खड्डा है या साउथ वेस्ट में कोई टॉयलेट है या कोई वास्तु डिफेक्ट है तो भी आपको हार्ट का इश्यू हो सकता है okay. तो इससे आपको बचना चाहिए तो hmm. so, वो हार्ट अटैक हो सकता है या हार्ट रिलेटेड कोई भी अगर कुछ भी तो हो सकता है ब्लड का फ्लो जो है वो कम ज्यादा हो सकता right. है तो हाई बीपी किसी को भी है अगर उसमें उसमें भी सिमिलर होगा हाई बीपी देखिए हाई बीपी क्या है हाई ब्लड प्रेशर जो है वो फायर रिलेटेड है और वात रिलेटेड है वायु है ना तो फायर जो आपका है वो साउथ ईस्ट में है है ना अगर साउथ ईस्ट के अंदर आपका फायर एलिमेंट बढ़ गया है जैसे आपका किचन तो है लेकिन बहुत सारा लाल कलर है या तो वो एरिया बढ़ा हुआ है तो फायर एलिमेंट बढ़ गया तो भी बीपी बढ़ जाएगा या तो आपका जो एयर एलिमेंट है घर में वो एयर एलिमेंट अगर डिस्टर्ब हो गया तो भी वो प्रॉब्लम हो सकता है जैसे आपका अगर साउथ ईस्ट कटा हुआ है तो मतलब फायर एलिमेंट वीक है तो फायर में एलिमेंट अगर वीक है तो फिर आपको लो बीपी हो सकता है ओके hmm, ओके okay, okay. ये कितना अमेजिंग है इंटरेस्टिंग है मुझे ऐसा लग रहा है पापा बचपन से तो बोल ही रहे हैं वास्तु के बारे में मुझे लगता है मुझे अब थोड़ा ज्यादा डिटेल में सीखना पड़ेगा आपसे अच्छा अब प्रेगनेंसी के इश्यूज भी बहुत ज्यादा लोगों के बढ़ रहे हैं आ, फीमेल रिलेटेड इशू इश्यूटेडी हाँ वो बहुत प्रॉब्लम होना तो वो उसमें क्या ध्यान रखिये देखिए वास्तु में जो हमने पंच तत्वों की बात करी ना वैसे ही पैंतालीस देवता भी उसका वास होता है पैतालीस देवता होते हैं अच्छा घर हाँ, में अलग, अलग अलग उनके नाम है है ना इंद्र है जैसे सोम है भल्लाट है परजन्य है ऐसे अलग अलग पैतालीस देवता है ब्रह्मा है जो मुख्य देवता है तो परजन्य देवता जो है जो नॉर्थ ईस्ट में है वो ऐसा बोलते हैं कि संतति के लिए आपको कुछ भी अगर जो पैदा करना है तो न्यू क्रिएशन के लिए ये नॉर्थ ईस्ट में जो देवता है परजन्य देवता वो इसके दाता है Hmm. तो अगर नॉर्थ ईस्ट में पर्जन्य देवता का जो पद है जो एरिया है अगर वो डिस्टर्ब है अगर वो आपने खराब किया हुआ है वहाँ कट है या वहाँ फायर एलिमेंट है यहाँ पे बहुत कुछ वजन आ गया है या कुछ hmm. गंदगी है तो पर्जन्य देवता अगर डिस्टर्ब होंगे तो भी कर, कंसीव जो है वो उसमें ब्लॉकेज क्रिएट होंगे फर्टिलिटी रिलेटेड हाँ भी हो सकते हैं इसलिए फीमेल दोनों को हाँ वो मतलब कंसीव नहीं कर पाएगा अगर मेडिकल रिपोर्ट उनके नॉर्मल होंगे तो भी नहीं हो पाएगा Hmm, wow. और जो आपने बताया पीरियोडिकल प्रॉब्लम्स अगर है hmm. तो वो वो जो है वो मंगल से रिलेटेड है रिलेटेड तो, हाँ, तो अगर वो आपका साउथ से लेके साउथ ईस्ट में अगर वाटर आ गया hmm. तो देखे फ्लो होने के लिए आपका वाटर एलिमेंट सही होना चाहिए hmm. ठीक है और उसको ब्लड जो है वो मंगल से रिलेटेड है hmm. तो वो साउथ आपका सही होना चाहिए अच्छा ओके तो मतलब ये पूरे घर का वास्तु इसीलिए जरूरी है कोई एक वास्तु डिफेक्ट जिम्मेदार नहीं होती उसके साथ दो तीन और दिशाएं भी जिम्मेदार होती है hmm. इसीलिए बोलते हैं कि वास्तु को सही रखो घर में बहुत ज्यादा फर्नीचर भी मत बनाओ बहुत ज्यादा मिरर भी नहीं मत लगाओ मिरर भी बहुत इफेक्ट करते हैं अच्छा ऐसा क्यों हाँ क्योंकि मिरर जो है आप देखेंगे तो मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन का इफेक्ट देते हैं hmm. और एलिमेंट के हिसाब से देखे तो मिरर जो है वो वॉटर एलिमेंट है अच्छा तो आपने अगर साउथ ईस्ट में बहुत सारे मिरर लगा दिए तो मतलब आपने वाटर एलिमेंट कर दिया और अगर साउथ और वेस्ट की तरफ आपने एक्सटेंड कर दिया तो वो और भी खतरनाक हो जाएगा अच्छा तो मिरर को कौन सी दिशा में लगाना वो भी आपको पता होना चाहिए कहीं वो एक्सटेंड तो नहीं कर रहा है वो फायर की दिशा में तो नहीं आ गया वो भी देखना है इसलिए जितना सिंपल रखेंगे आप फर्नीचर वो उसके कर्टेंस के कलर आप जो सोफा बनाते हैं तो उसके उसके अंदर जो फर्नीशिंग जो लगता है मटेरियल उसके कलर्स हर चीज मैटर करती है वाह किसी को एक्ने डार्क सर्कल पिंपल है स्किन इश्यूज है स्किन <laughs> मैं ये सोच रहा था ये सवाल आपने पूछा क्यों नहीं है ना कि फीमेल्स तो रिलेटेड इश्यू है तो हाँ। देखिए ये जो स्किन रिलेटेड इश्यू है ये जो इश्यू है वो इसमें दो चीजें हैं एक है ये प्लेनेट जो है बुध है बुध से रिलेटेड है और दूसरा जो है पिंपल ज्यादा होना वो जो है फायर रिलेटेड है तो इसमें आपको बुध प्लैनेट जो है वो नॉर्थ में है और नॉर्थ में वाटर एलिमेंट है तो अगर आपका नॉर्थ डिस्टर्ब होगा बुध प्लेनेट आपका डिस्टर्ब होगा तो एक तो ये हो सकता है और पिंपल के लिए आपका साउथ जो है जहाँ पे मंगल ग्रह है तो साउथ में भी अगर कुछ वास्तु डिफेक्ट है या फायर एलिमेंट ज्यादा बढ़ गया है तो भी पिंपल्स आपको दवाई या कराने के बाद भी बारम्बार होते रहेंगे ओके। तो साउथ को बैलेंस रखिए और नॉर्थ में जो आपका बुध प्लेनेट है उसको आप बैलेंस रखिए बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया मुझे बहुत मजा आ रहा है आपने आई थिंक आप कितने साल से वास्तु के फील्ड में है कितने साल हो गए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले पंद्रह साल से प्रोफेशनली लेकिन जब मैं गवर्नमेंट जॉब था तब मुझे ये चीज़ों में जानने की मेरी पहले से क्यूरियोसिटी बहुत हाई होती थी तो मैं जब भी ऐसे ही आता था तो पढ़ता था तो मुझे क्यूरियोसिटी ये कैसे हो सकता है ये कैसे तो फिर किसी के घर भी जाता देखता इसके घर में ये है तो फिर किताब में जो पढ़ा है उसके साथ मैं रिलेट करता था तो वो मैच होता था यस yes, मुझे याद है मैं जब बहुत छोटी थी स्कूल मुझे याद भी नहीं है मेमोरी भी नहीं है बहुत छोटी तब आप वो किताबें पढ़ते थे, थे तो आपको फिर इंटरेस्ट कैसे आया वास्तु में आप कैसे एंटर हुए इस फील्ड में नहीं, एंटर ऐसे हुआ कि जैसे मेरे फैमिली के अंदर ही एक परिवार में ही एक बहुत करीबी रिश्तेदार का डेथ हो गया अब वो डेथ हो गया तो वो जो परिवार के जो सदस्य हैं वो बहुत ही रिलीजियस हैं बहुत ही सीधे हैं मतलब उनको देख के आप नहीं कह सकते कि इनके कर्म ऐसे हैं कि इनको जीवन में कोई दुख आना चाहिए फिर भी उनके जीवन में इतनी बड़ी आपत्ति हो गई तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये मतलब फिर कर्म का मतलब क्या है अगर इतने सीधे लोग हैं इतने अच्छे लोग हैं फिर भी इनका इनके घर में अगर कोई जवान बेटा इनका अगर एक्सपायर हो जाता है फिर मैंने कहीं किताब में पढ़ा था कि अगर साउथ ईस्ट में बोरिंग हो बोर बोरवेल और अगर साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी हो तो घर के किसी युवा सदस्य की मौत हो सकती है अननेचुरल डेथ तो ये हुआ और और फिर फिर मैंने मैंने वहां वहां से से वो वो बोरिंग भी निकल और फिर मैंने वहां से वो भी निकलवाया अंडरग्राउंड वाटर टैंक हटवाई तब से उनके घर में अभी दे आर लिविंग अ वेरी गुड हेल्थ तो इससे मेरा इंटरेस्ट बहुत क्योंकि चीजें जब देखिए जो भी लॉजिकल इंसान होता है जब उनको प्रत्यक्ष उनको प्रमाण मिलते हैं फिर 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 मुझे लगा कि नहीं ये चीजें मैटर करती है जीवन में फिर मैंने अपने घर में इसको अप्लाई करता गया अपने दोस्तों को बताता गया सबको फायदा होता गया और जब मुझे लगा कि नहीं ये चीजें मैटर करती है फिर मैंने इसको बाकायदा सीखना शुरू किया और वो सीखने की जर्नी आज भी मेरी चालू है और आज भी आप जब भी मैं घर में आती हूँ एक यू नो बढ़िया सी बहुत सारी किताबें और आपके आ, कुछ स्टडी मटेरियल होता है आप कुछ ना कुछ स्टडी हर रोज़ कुछ कुछ घंटे आप ज़रूर देते हैं आई वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला था और वहीं से मैं जो भी थोड़ा बहुत हार्ड वर्क या डिसिप्लिन रहने का क्वालिटी है वो आपसे ही हमेशा आया है आई गिव फुल क्रेडिट टू यू फॉर दैट पर आपका इंटरेस्ट न्यूमरोलॉजी में भी आया रिसेंटली वैसे ये पॉडकास्ट पूरा हम वास्तु के ऊपर ही कर रहे हैं बट मुझे पता है कि एक छोटी सी झलक आप दे दीजिए अगर फ्यूचर में मौका मिला हम शायद न्यूमरोलॉजी और हेल्थ कैसे कनेक्टेड है बिकॉज हम चाहते हैं मैक्सिमम नॉलेज हम जितना दे सकते हैं उतना अच्छा है और आपके पास तो भंडार है कितना भी करे कम है देखिए न्यूमरोलॉजी का हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था बताएंगे तो इस पॉडकास्ट में हम दो चीजें करते हैं कि देखिए हम अपने दोनों के नंबर ले लेते हैं है ना हुँ. जैसे मेरा जो मूलांक है अट्ठाईस तारीख है तो मेरा एक नंबर है हुँ. है ना तो एक नंबर क्या होता है सूर्य का नंबर है है ना तो लीडरशिप क्वालिटी होती है कंट्रीब्यूशन का नेचर होता है किसी के uh, मतलब पीछे चलने की जगह अपना रास्ता खुद बनाने की uh, चाहत होती है कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है है ना तो वैसा ही मेरा नेचर है मैं जब ऑफिस में था तो मैं एसोसिएशन का लीडर रहा मुझे किसी के नीचे दब के काम करने की आदत नहीं है मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों का और दे सकूँ है ना तो यह स्वभाव है तो एक नंबर से मेरा Right. ये रिलेशन हो गया right. है ना? 28 मतलब आपकी डेट 28 अट्ठाईस हाँ, एक दस उन्नीस और 28 को जिनका जन्म होता है वो सारे एक नंबर वाले हैं तो इनके लीडरशिप की क्वालिटी आप देख लो मुकेश अंबानी देख लो एक नंबर है आप धीरू भाई अम्बानी एक नंबर है एलन मस्क uh, एक नंबर है बिल uh, गेट्स एक नंबर है तो आप देख सकते हैं एक नंबर दे आर लीडर्स है ना और वैसे ही आपका नौ नंबर है अठारह से है ना नौ अठारह और सत्ताईस इन तारीख का जिनका जन्म होता है वो नौ नंबर है तो नौ नंबर जो है वो मंगल का है मंगल अगेन एनर्जी पैशन आप 16 16 घंटे काम करती है फिर भी आप फिर भी आपको थकान नहीं होती और आपको लगता है अभी और क्या करूं दैट इज बिकॉज ऑफ योर नंबर्स तो नंबर्स तो भी हमें भगवान ने इसीलिए दिए हैं कि वी आर बोर्न विथ ए पर्पज तो ये हमारे नंबर्स हमारे हमको पर्पज दिखाते हैं मुझे ये न्यूमरोलॉजी से पता चला कि मैं एक नंबर हूं मतलब ये सूर्य का नंबर है राजा का नंबर है तो मुझे कंट्रीब्यूट करना है मुझे पंक्चुअल होना है सूर्य से पहले उठना है ये सारा मैं न्यूमरोलॉजी से सीखा जैसे आपको नौ नंबर है तो एनर्जी आप फिटनेस में है तो फिटनेस भी मंगल का है है ना हर वक्त काम करते रहना जम यह नौ नंबर का नंबर है बहुत मेहनत करते रहना कर करते हाँ, प्रियंका चोपड़ा नौ नंबर है अक्षय कुमार देखिए आप कितना एक्सरसाइज करते वो नंबर नंबर है तो मैटर्स उसके साथ रिलेटेड हेल्थ के इश्यूज भी होते हैं वो कभी आवे हम देखें फ्यूचर में जरूर हम उसके ऊपर बात करेंगे अभी एक रेपिड फायर राउंड खेलते हैं मैं आपको है। कुछ छोटे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगी जो कॉमनली आस्ट होते हैं और फिर आप शॉर्ट में उसका जवाब दे सकते हैं किसी को अगर मेंटल हेल्थ इंस्टेंटली अच्छी करनी है खुश होना है तो उसके लिए वास्तु की कोई बेस्ट टिप देखिए दो चीज़ें हैं मेंटल हेल्थ के लिए आप ये कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट जो है वो सबसे अच्छी जगह है तो उसको साफ सुथरा रखिए ठीक है ना वहाँ पर आप सुगंधित कोई अगरबत्ती लगाइए या कुछ परफ्यूम करिए वहाँ पे बैठिए वहाँ पे मेडिटेशन कीजिए अपने इष्ट देव को याद कीजिए कोई अच्छा सा म्यूजिक सुनिए तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा और उससे भी ज्यादा अगर आपको करना है तो साउथ जो है वो रिलैक्सेशन का एरिया है साउथ में जाके आराम से बैठिए डीप ब्रीदिंग करिए अपने इष्ट देव को याद करिए और अपने खुशियों वाले पल को याद कीजिए तो आप रिलैक्स हो जाएंगे बहुत ही बढ़िया ओके आम, आपने वैसे बता दिया है बट किचन का घर में सबसे बेस्ट डायरेक्शन कौन सा होगा किचन का सबसे जो बेस्ट डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है और फेसिंग जो आपका है वो उस टाइम पूर्व का होना चाहिए ईस्ट का Okay. और दूसरी जो जगह है वो अगर वो अगर नहीं हो सकता तो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए okay. लेकिन हाईली अवेलेबल जो है वो नॉर्थ ईस्ट है परफेक्ट ओके okay. सबसे बड़ी एक कॉमन वास्तु में जो मिस्टेक करते हैं जो आपने ऑब्जर्व किया है वो क्या होगा देखिए मिस्टेक लोग ये समझते हैं कि फेसिंग हमारा जो डोर का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए आजकल क्या होता है कि जैसे मैंने बताया आपको साउथ वेस्ट की एंट्री बहुत खराब है लेकिन ये जो मकान जो मकान बनाने वाले हैं वो एंट्री जो है है साउथ वेस्ट में लेकिन फेसिंग उसका वेस्ट कर देते हैं तो बोलते हैं एंट्री वे, वेस्ट फेसिंग है लेकिन वास्तु में फेसिंग से ज्यादा लोकेशन उसके जोन का इंपॉर्टेंट है अच्छा। तो अगर वो साउथ वेस्ट में है फेसिंग चाहे उसका वेस्ट हो तो भी वो आपके लिए एंट्री गलत है तो आप फेसिंग पे मत जाइए आप एंट्री कौन से पद में है वो देखिए इंटरेस्टिंग hmm. जो प्लांट्स प्लांट्स हम रखते हैं वो प्लांट्स रखने की घर में सबसे बेस्ट जगह कौन सी है और कौन सी जगह नहीं रखने चाहिए? जनरली मैं ऐसा मानता हूँ और मेरा अनुभव भी है कि प्लांट्स जो है वो नेचुरल एनर्जी है तो आप छोटे छोटे पौधे हैं छोटे छोटे प्लांट्स घर में कहीं भी रख सकते हैं hmm. लेकिन तुलसी को बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आपको रखना चाहिए दूसरा ये है कि आपको घर में कांटे वाले प्लांट्स नहीं रखने हैं, oh. कैक्टस hmm. वो नहीं रखने हैं और दूसरा ऐसे पेड़ नहीं, ऐसे पौधे नहीं रखने हैं प्लांट्स नहीं रखने हैं जिसमें से जिसको तोड़ने से दूध निकलता हो अच्छा हाँ ऐसा क्यों वो अवेडेबल है वो नेगेटिव आपको उसकी इफेक्ट होती है अच्छा तो ये दो चीजों का ध्यान रखना है hmm. किसी को पढ़ाई करने के लिए और कंसंट्रेशन पाने के लिए कौन सा डायरेक्शन सबसे बेस्ट रहेगा देखिए कंसंट्रेशन के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन तो नॉर्थ ईस्टी है okay. लेकिन पढ़ाई के लिए आप अगर नॉर्थ ईस्ट में जगह मिले तो बढ़िया है नहीं तो आप आ, वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में एक एरिया है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट okay. वहां पे भी बैठ सकते हैं लेकिन जहां पे भी बैठे आप यह इंश्योर करें कि आपके सर के ऊपर वजन ना हो साइड में हो खुशबूदार जगह हो सफाई हो वहां पे ज्यादा आपको स्मेल नहीं आनी चाहिए एटमोस्फेयर शुड बी प्लेजेंट वाइल स्टडी तो कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा ओके तो चीजें साफ सुथरी रखें 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 ऑर्गेनाइज लाइट वहां पे थोड़ी खुशबू आए ऐसा रखें और सर पे वजन ना रखें तो अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे और आपके वो सबकॉन्सियस माइंड में चला जाएगा ओके कामनेस और रिलैक्सेशन का कोई कलर है जो यूज कर सकते हैं दीवारों पे देखिए उसके लिए एक पिस्ता ग्रीन कलर है ओके ना। तो आप अगर नॉर्थ ईस्ट में हैं तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर पिस्ता ग्रीन कलर आप करते हैं जो हमारे घर में भी हाँ, आप है, हाँ। देखते हैं तो वहां पर बैठ के अगर आप शांति से आराम से बैठते हैं और मेडिटेशन भी करते हैं या तो फिर आप ऐसा कोई सुदिंग म्यूजिक लगा के वहां पर बैठ जाइए तो वो बहुत अच्छा है लाइट स्काई ब्लू कलर वो भी बहुत अच्छा है लेकिन कलर का जोन है तो वो कौन सा कलर करते हैं वो भी आपको एक्सपर्ट एक्सपर्ट को पूछ के करना पड़ेगा लेकिन अगर आइवरी कलर आप करते हैं क्रीम कलर करते हैं ऑफ वाइट कलर करते हैं वो कहीं भी कर सकते हैं तो हैं। मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूं कि जहां तक हो सके पूरे घर में ऑफ वाइट कलर ही रखें क्रीम कलर या आइवरी कलर जो बोलते हैं वो रखें तो फिर आपको कुछ पूछने की किसी को जरूरत नहीं है हमारे घर में वो जो आपने बोला पिस्ता ग्रीन कलर हाँ, जो आपने हाँ, कहा हाँ। वो जब से लगाया और इवन ओवरऑल जब वो हमारा जो ड्राइंग रूम है जब से से घर बनाया तब से ये फीलिंग लोगों का आता था और शेयरिंग आता था कि जब भी कोई गेस्ट आए वो आते थे आधे घंटे के लिए बट जाते थे चार घंटे के बाद हाँ। बोले आपके घर में मजा इतना आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि सुकून मिल रहा है आ, कुछ ना करे और सिर्फ बैठे तो भी एक शांति का अनुभव हो रहा है तो आई थिंक बहुत सारा क्रेडिट ये कलर और ऑर्गेनाइज जगह हाँ, को भी जाता है पंच तत्वों का जब संतुलन होता है ना तो एनर्जी जो है वो सेटल हो जाती है और एनर्जी के वाइब्रेशन हाई पे होते हैं हाई 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 एनर्जी जो 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 है 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 वाइब्रेशन 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 वाले इवेंट को इनवाइट करते हैं और लो जो है, अगर आपका वास्तु खराब होगा तो घर में रहने वालों का मूड भी खराब होगा और उनका मूड खराब होगा तो वहां घर की एनर्जी भी आपने देखे होंगे कई लोगों के घर जाते हैं आप एक घंटे के लिए जाना चाहते हैं लेकिन दस मिनट में आपको भागना पड़ता है और कुछ घर ऐसे होते हैं आप आधे घंटे के लिए जाते हो लेकिन दो घंटे तक निकल नहीं सकते वो कितना खुश रहते है। Beautiful. किसी को घर में ही ऑफिस अगर बनानी हो तो वो कौन सा डायरेक्शन अच्छा रहेगा ऑफिस के लिए वो ईस्ट में बना सकते हैं okay. में भी बना सकते। लेकिन ये देखें उसका जो एंट्री है वो बाहर से नहीं होना चाहिए घर से ही होना चाहिए और अगर आपने बाहर से दिया है तो एक एंट्री उसका घर से भी होना चाहिए नहीं तो वो हिस्सा जो है वो उस प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं कहा जाएगा वो बाहर का हो जाएगा तो इतना एरिया जो है कट माना जाएगा, कट माना जाएगा। तो, हाँ। तो तो ये वास्तु घर में अगर ऑफिस बनाते हैं तो बाहर से उसकी एंट्री है फिर भी ऑफिस से घर में आने की एक एंट्री होनी चाहिए ओके ओके ठीक है ऐसा माना जाता है कि बेडरूम में अगर मिरर्स रखते हैं बहुत सारे मिरर्स तो आपकी हेल्थ बिगाड़ता है देखिए बिगाड़ता ही ऐसा मैं नहीं कहूंगा दो चीजें हैं अगर आप बेडरूम में मिरर रखते हैं तो पहले तो ये इंश्योर कीजिए वो आपके एग्जैक्ट बेड के सामने ना हो ओके okay. तो टीवी भी नहीं होना चाहिए नहीं तो टीवी के स्क्रीन में भी वो रिफ्लेक्शन आएगा hmm. तो अगर आपका बॉडी अगर मिरर में दिखता है तो वो हेल्थ के इश्यू दे सकता है अच्छा okay. और दूसरा मिरर जो है एक्सटेंशन का काम करता है जितना एरिया उसके सामने है उतना एरिया वो मिरर पीछे भी आपको दिखाएगा तो साउथ और वेस्ट में भी मिरर अगर बेडरूम है आपका तो उसके साउथ और वेस्ट में मिरर ना रखें। ड्रेसिंग टेबल के लिए मिरर आपको चाहिए तो वो नॉर्थ या ईस्ट की वॉल पे रखें। लेकिन मेक श्योर करें कि वो जो है आपके बेड का आपके बॉडी का जो रिफ्लेक्शन है वो मिरर में नहीं दिखना चाहिए ओके okay, ओके okay. ठीक है बाथरूम का सबसे खराब लोकेशन जो नहीं होना चाहिए और जो होना चाहिए खराब आपने बताया हाँ और कहा होना चाहिए देखिए वाटर एलिमेंट है बाथरूम मतलब वाटर एलिमेंट टॉयलेट की बात नहीं कर रहे हम सिर्फ बाथरूम तो वो आपका नॉर्थ से लेके ईस्ट में कहीं कहीं भी हो सकता है ओके। दूसरा एक वेस्ट है जहाँ वरुण का पद है वहां पे भी हो सकता है ओके और कहा नहीं होना चाहिए बाकी फायर एलिमेंट मोस्ट अवेडेबल जैसे साउथ ईस्ट से लेके साउथ में नहीं होना चाहिए ओके ऐसी कोई घर की ही ऐसी चीज होगी कि जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है और आपको पता ही नहीं है देखिए एक चीज ऐसी है कि एक तो कोई बिगड़ी हुई चीज रखी है या आपने कुछ मिस पैर कर रखे एक बहुत बड़ी बोतल है अब उसका ढक्कन जो है वो आपने नहीं लगाया है ढक्कन कहीं पड़ा है बोतल तो आपने उसको वो मिस हो गया वो भी एक प्रॉब्लम कर सकता है ओके हाँ और दूसरी चीजें ऐसी है कि अगर आपके घर में वायरिंग हुआ पड़ा है और उसमें बिन जरूरी काफी सारे वायर हैं तो आपने उसको वो ऐसे ही वो करके जैसे हम में पतंग की दूरी का हो जाता है ऐसा अगर किया है तो उससे भी बड़ी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है और कई किस्सों में तो हमने ऐसा देखा है कि ऐसे घरों में इनकम टैक्स की रीढ़ ज्यादा पड़ती है <laughs> साउथ ईस्ट में अगर ऐसे वायर आपके बहुत सारे हैं तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है ओके, ओके। मतलब ऑर्गेनाइज रखो Right. सब कुछ जो चीजें सही नहीं है काम की नहीं है उसको निकालो लवली और आखिर में आपको एक दो अगर स्टोरी स्टोरी बता सकते हैं आपकी रियल क्लाइंट की स्टोरी, कि जहां पर किसी को कोई हेल्थ चैलेंज था और आपने कोई टिप दिया और वो इश्यू ओवरकम हुआ देखिए मैं दो स्टोरी बताता हूँ आपको एक है हार्ट का इश्यू एक मेरे ही है गांधीनगर में रहते हैं उनको हार्ट के इश्यू हुए और डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी आपके लाइफ के अंदर मतलब अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको बड़ी गंभीर समस्या होगी तो फिर मुझे बताया मैं उनके घर गया तो जैसे मैंने आपको बताया ईस्ट में उनका टॉयलेट था तो ईस्ट की रेमेडी हमने करवाई थोड़ा प्राणायाम वगैरह बताया तो आज उस चीज को आठ साल हो गए हैं तब से उनको ऐसी कोई हेल्थ की हार्ट की चैलेंजेस नहीं है दूसरे एक क्लाइंट है जो पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं दोनों डॉक्टर है और काफी मतलब एमडी हुए हैं मतलब मास्टर किए हुए डॉक्टर हैं hmm. उनको शादी के बाद चौदह साल तक बच्चा नहीं हो रहा था संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही थी तो किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया मैं उनके घर पे गया वो परजन्य देवता वाला जो मैंने hmm. उपाय आपको बताया था उसकी कुछ रेमेडी की कुछ उनको मैंने क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बताई कुछ खान पान की चीजें बताई hmm. तो उनको दो साल के अंदर संतान प्राप्ति हो गई और अभी वो काफी खुश है तो ऐसे तो अनगिनत कहानियां हैं हेल्थ की है चाइल्ड मतलब प्रमोशन की है मतलब कहानियाँ तो बहुत सारी है क्या बात है क्या बात है और वो कहानी तो बहुत सारी कहानियाँ मैंने ऑलरेडी सुनी हुई है और इसीलिए मुझे बहुत बहुत खुशी होती है और बहुत गर्व होता है कि आपके अंदर जो नॉलेज पड़ा हुआ है और आपकी जो भूख है कि आपको इतना नॉलेज है तो भी आप हर रोज़ पढ़ते रहते हैं नया नया सीखते रहते हैं आप इवन मेरे हेल्थ कोचेस के साथ भी बहुत सारी बातें उनको सिखाते रहते हैं और मुझे मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि आई फील एजुकेशन एम्पावरमेंट देता है आपको आपको एक रास्ता देता है प्रॉब्लम है बट प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है डिप्रेशन है बट सामने खुशी भी आ सकती है आप अभी स्ट्रेस में हो बट स्ट्रेस से ऑपोजिट हैप्पीनेस की ओर भी जा सकते हैं है ना मैं जो भी लोग आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं इनकेस कुछ भी जानना है तो क्या आप आपकी कोई डिटेल हम डिस्क्रिप्शन हाँ, हाँ, दे, दे सकते हैं इंस्टाग्राम ठीक है, है और मैं ये करता इसलिए हूँ कि मुझे लगता है अभी मैं उम्र के उस पड़ाव पे हूँ कि मुझे अब लगता है कि ईश्वर ने बहुत दिया है है ना तो अब कंट्रीब्यूशन का टाइम आ गया है तो वास्तु सीखने का असल पर्पज ही यही था कि हम कुछ सीखेंगे क्योंकि पहले से मेरा नेचर है एक नंबर का सो मेरा मूलांक है तो पहले से मेरा नेचर है हाउ टू हेल्प अदर्स तो जितना जानेंगे उतना लोगों को ज्यादा हेल्प कर पाएंगे और ज्यादा लोगों का हेल्प कर पाएंगे लोगों की दुआएं मिलेंगी तो भला तो भला मेरा ही होना है बिल्कुल <laughs> और इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई जब आपने अपनी किताब लॉन्च करी रिसेंटली न्यूमरोलॉजी के ऊपर इनकेस किसी को भी ये पढ़ने में इंटरेस्ट है आई वुड वु रेकमेंड मैं उसकी भी लिंक डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में थैंक यू सो मच पापा आपने स्पेशली वक्त निकाल उसके लिए बहुत 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 ही मजा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला एंड मुझे पता है हम वापस से जरूर मिलेंगे थैंक यू मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मौका मिल रहा है मुझे कि मुझे जो ईश्वर की कृपा से जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान से लोगों का भी लाभ मिल सके कभी कभी आपको मैंने देखा है कुछ आप इक्विपमेंट के साथ एनर्जी भी चेक करते हैं जगह की ताकि आपको ये भी पता चले कि ये जगह में प्रॉब्लम है वो जगह तो ठीक है वगैरह करके तो आप कैसे चेक करते हैं उसका कुछ आप लाइव अभी दिखाएंगे हाँ हाँ डेमो मेरे पास जो स्कैनर है जिससे मैं घर की एनर्जी भी चेक करता हूँ जमीन के नीचे पानी कहाँ पे है वो भी चेक करता हूँ अभी तक मैंने दो से ज्यादा बोर का लोकेशन बताया यहाँ पानी होगा और वहाँ पे पानी अच्छा निकलता है अच्छी क्वालिटी का निकलता है क्या बात आ, है तो एनर्जी चेक करते हैं कहाँ पे नेगेटिव है और फिर उसको रेमेडी करने के बाद कैसे पॉजिटिव एनर्जी हुई वो भी दिखाते हैं तो अभी हम लाइव डेमो भी दिखा सकते हैं आपको जरूर जरूर ठीक है ना देखिए जैसे ये स्कैनर है है ना जिसको हम एल रोड भी बोलते हैं इससे मैं नेगेटिव एनर्जी भी चेक कर सकता हूँ पानी भी चेक कर सकता हूँ तो अभी हमने इस टेबल पे एक लैपटॉप रखा है एक मोबाइल रखा है, है ना दो मोबाइल तो ये दो मोबाइल और लैपटॉप से ये एनर्जी कैसी है ये दिखाएगा अब इसको पता कैसे चलेगा देखिये ये अभी है जीरो एनर्जी जीरो ये ऐसे जाएगा क्रॉस करेगा तो ये नेगेटिव है और जैस, जितना क्रॉस करेगा उस हिसाब से परसेंटेज होगा और अगर ये बाहर की तरफ खुलता है तो ये पॉजिटिव एनर्जी है इसको हम ऐसे पकड़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम ये एक लैपटॉप और दो मोबाइल के साथ एनर्जी चेक करते हैं कि इसकी एनर्जी कैसी है ओके। ठीक है तो देखे। लैपटॉप और मोबाइल की वजह से दो मोबाइल की वजह से ये फोर्टी परसेंट नेगेटिव एनर्जी हम इसको बोल सकते हैं hmm. है ना अभी हम देखे मोबाइल दोनों हटा लेते हैं और लैपटॉप दोनों हटा लेते हैं ओके okay. अभी हमने लैपटॉप भी ले लिया दो मोबाइल भी ले लिया hmm. हम चेक करते हैं कि एनर्जी में क्या बदलाव हुआ hmm. oh. अभी आप देख लीजिए जो फोर्टी माइनस था वो ऑलमोस्ट फिफ्टी प्लस हो गया मतलब नाइनटी जो परसेंटेज है इसका फर्क आ गया सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप हटाने से तो ये बताता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो हमारे साथ रहती है वो भी हमारे हेल्थ के इम्पैक्ट करती है इसी तरह से हम जब भी घर की विजिट करते हैं तो टॉयलेट की वजह से वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आ रही है या घर में कौन से एरिया में वास्तु डिफेक्ट है वो सब ये दिखाता है दिस इज हाइली साइंटिफिक टेक्निक बहुत ही बढ़िया तो मतलब आप प्रैक्टिकली uh, भी जब लोगों को दिखाते हैं तो उनको भी विश्वास आता है कि नहीं ये एक्चुअली प्रूवन है बहुत 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 कुछ चीज़ें सीखने को मिली आ, पापा आज बहुत मुझे तो बहुत मज़ा आया ऐसा लग रहा है कि मुझे और ज़्यादा गहराई में सीखना पड़ेगा आपसे वास्तु के बारे में और मैं आई एम श्योर मैं सीखने वाली हूँ इवन न्यूमरोलॉजी को लेकर मैं ज़रूर चाहूँगी फ्यूचर में हम एक और बार मिले थैंक यू mm -hmm. बहुत बहुत मुझे गर्व महसूस होता है आप जितना हर वक्त टाइम देते हैं अपने आप को पढ़ाई के लिए नई नई चीज़ें सीखने के लिए आपके अंदर ज्ञान का भंडार है बट तो भी ऐसा नहीं है कि आप रुक जाते हो इवन एट दिस एज आप हाईएस्ट एनर्जी uh, दिखाते हो सबसे ज्यादा खुश इंसान आप होते हो और सबसे ज्यादा इंस्पायर आप सबको करते हो सो थैंक यू सो मच आपने आज पॉडकास्ट के माध्यम से इतना ब्यूटिफुल शेयरिंग किया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पॉडकास्ट के लिए बुलाया ताकि मैं लोगों को अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को लाभान्वित कर सकता थैंक यू और ये जब बांटते हैं तो कुदरत आपको कई गुना लौटाती है तो वही मेरे साथ हो रहा है तो और बांटने का मन होता है थैंक यू आई एम श्योर कि पॉडकास्ट में वापस से जरूर मिलेंगे धन्यवाद नमस्कार आई होप आपने एंजॉय किया इस पूरे पॉडकास्ट को कितना सारा नॉलेज एक साथ हमें मिल गया है वास्तु और हेल्थ को लेकर और मुझे लगता है कि ये सिर्फ वास्तु के ऊपर नहीं बट इवन वो हमारी मेंटल हेल्थ हमारे रिश्ते हमारा करियर प्रोडक्टिविटी सभी के ऊपर असर लाने वाला है हंड्रेड परसेंट आप जरूर अगर पापा को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं डिटेल्स तो मैं डाल ही देती हूँ बट कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा आपको क्या लगा क्या अच्छा लगा सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी ओवरऑल पॉडकास्ट सुनकर आपका फीलिंग क्या है क्योंकि एक्चुअली आपकी सभी कमेंट्स हम पढ़ते हैं और जब देखते हैं हमें बहुत खुशी होती है कि हमारा अगर एक भी सेंटेंस आपको छू जाए आपको अच्छा लगे आप अप्लाई करें रिजल्ट पाए तो आपको जितनी खुशी होती है उसे कई गुना ज़्यादा हमें खुशी होती है हमारी टीम को खुशी होती है तो प्लीज़ कमेंट में भी बताइएगा और इसे शेयर करना ना भूलिएगा यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं एप्पल पॉडकास्ट स्पॉटीफाई के ऊपर भी जैसे मैंने बताया आप देख सकते हैं अगर आप न्यूमरोलॉजी की किताब भी खरीदना चाहते हैं या जानना चाहते हैं उसके बारे में तो मैंने उसकी भी लिंक डाल दी है बट आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि बस ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे जिसके लिए डू नॉट फेट आपके घर में ही पहले तो शेयर कीजिए और फिर अपने आसपास याद रखिए हेल्थ है तो सब है जल्द ही मिलेंगे वापस